जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी मैं आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हमारे मन में कहीं ना कहीं चीज़ों के लेके खटके बनी हुई है कि आगे आने वाला प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है। टोपल इस सर्वे के लिए इंदौर पे खड़ा हुआ है, तो आइए जानते हैं आम जनता से कि उनका क्या कहना है कि कौन हो सकता है अगला प्राइम मिनिस्टर। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे, अगला प्राइम मिनिस्टर आपके हिसाब से कौन होगा? राहुल गांधी जी। सर, ऐसा क्यों? क्योंकि अब लहर चेंज की हो गई है, जैसे मध्य प्रदेश में भाजपा 15 साल में कुछ नहीं कर पाई है, कांग्रेस का राज आया है, ऐसे ही अब देश में भी अब राहुल गांधी का राज आया। तो सर, जैसे अब मोदी जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और कोई उम्मीदवार आपको नहीं दिखता, सर राहुल गांधी जी दिख रहे हैं? क्योंकि क्या है, मोदी जी ने जो कहे थे अच्छे दिन, तो अच्छे दिन कहाँ है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, अब वो राहुल गांधी जी से उम्मीद है कि वो सबकी समस्याओं को दूर करेंगे। जी सर, धन्यवाद। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आप बताइए और हो सकता है राहुल गांधी जी है। हमारे सर्वे में हम लोगों ने 4 लोगों के नाम रखे हैं, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी और अपने दीदी। तो उनके अलावा आप बता सकते हैं कि वो हो सकता है और कौन व्यक्ति हो सकता है आने वाले आने समय में? मैं इतना कहूँगा कि देश की जनता सब कुछ जानती है, नरेंद्र मोदी जी के अलावा सभी लोग ऑप्शन में कोई बुराई नहीं है। राहुल गांधी का ऑप्शन सबसे पहला इसलिए प्राथमिकता है कि पूरे भारत में सबसे बड़ी पार्टी है, यूपी लोकसभा के लिए बहुत मायने रखता है, और इस बार जो कांग्रेस पार्टी ने यूपी में जो कदम उठाया है कि सारी सीटों में खुद लड़ रही है, इससे कांग्रेस पार्टी को फर्क पड़ेगा और जनता को फर्क पड़ेगा। तो देखा आपने दोस्तों, हाल ही में आम जनता का कहना यही है कि राहुल गांधी जी को लाना चाहिए क्योंकि आने वाले युवा नेता हैं वो। मैं खड़ी हूँ इंदौर की जानी मानी जगह 56 पर। हम आम जनता से रूबरू होना चाह रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर, अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। तो आइए जानते हैं, हम आम जनता से रूबरू होना चाह रहे हैं, हम देखते हैं क्या कहती है जनता। सर, आपका नाम क्या है? राजेश उपाध्याय। सर, आपका क्या व्यवसाय है? जैविक खाद बनाते हैं। सर, जो कांग्रेस सरकार है उसके अंदर युवा नेताओं ने, आजकल के हिसाब से अगर युवा नेताओं के हिसाब से बात करें तो युवा का तो यही कहना है कि गांधी जी को आना चाहिए, राहुल गांधी जी को आना चाहिए। राहुल गांधी जी को कुछ भी जरा सा भी कुछ भी उनको अनुभव है ही नहीं, ठीक है ना। और इन्होंने नीचे से लेके ऊपर तक आज तक उन्होंने राज ही किया है, कि उन्होंने मोदी जी ने, अभी राजीव गांधी होते, इंदिरा गांधी होती, वो बात अलग थी, उनमें जज्बा था, उन्होंने नेहरू जी सीखा था, कांग्रेस सरकार ने बात किया किसानों की, मोदी जी का बजट आया इसमें किसानों के साथ। अरे भाई, मेरे पीछे देख, किसानों के साथ छलावा आपके हिसाब से मोदी जी ने किसानों का छलावा किया? 6,000 रुपये दिए क्यों रहे हैं, साल भर लोगों की 3 किस्तों में दिए, मतलब मजाक बना के रहती किसानों के साथ। तो सर, राहुल गांधी जी जो है, अगर आप माने तो राहुल गांधी जी और आगे क्या कर सकेंगे आपके लिए, आप क्या अपील करना चाहते हैं सरकार? हमारे राहुल गांधी ने बोला MSP बढ़ाएंगे किसानों के लिए, रेट बढ़ाइए, उसके बाद कर्ज माफी की जाएगी। धन्यवाद सर आपका। हमारा आज का सवाल ये है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है, तो हम इसके लिए रूबरू हो रहे हैं आम जनता से। आइए जानते हैं उनका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि अगला प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री कौन होगा। तो सर, आप बताइए। जनता ये चाहते हैं कि अगले प्रधानमंत्री भी जो हैं अभी वही है। आप मतलब नरेंद्र मोदी के साथ जाना चाह रहे हैं? हाँ, मोदी जी होना चाहिए क्योंकि वही गरीब जनता के हित में कार्य करते हैं। तो सर, कांग्रेस सरकार ने क्या करा थे? अब उन्होंने तो क्या करा, भ्रष्टाचारी के अलावा कुछ काम ही नहीं किया, वो गरीबों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। और जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने गरीब के लिए, जनता के लिए रोड बनाए, पुल बनाए, बहुत ही अच्छे अच्छे काम करे हैं, गरीबों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लागू की उन्होंने, लेकिन अभी विधानसभा के कारण वापस गरीबों के काम रुक गए। सर, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? तो देखा दोस्तों, आपने अगला कोई समर्थन कर रहा है राहुल गांधी जी का, तो कोई समर्थन कर रहा है मोदी जी का।
पर कहां बात आ रही है, जैसे triple.com का सर्वे चल रहा है, हमारे पास चार नाम है, मायावती जी और अपने राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी, और भी दो तीन नाम हमारे मन में चल रहे हैं। तो क्या आप बताइए क्या हो सकता है, कौन हो सकते हैं अगले प्राइम मिनिस्टर? धन्यवाद।